कैसे हैं आप? स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। मैं रिंकू शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक मजेदार टॉपिक, नाउन क्लॉज। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज कितनी कैटेगरीज होती है, नाउन क्लॉज का यूज कहां किया जाता है। अक्सर बच्चे कंपटीशन एग्जाम में नाउन क्लॉज को छोड़कर आते हैं। नाउन क्लॉज आज आप इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से नाउन क्लॉज को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को गाइस ध्यान से देखना, नाउन क्लॉज आज आप सीख कर ही जाओगे और इससे आसान ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। 101% गारंटी के साथ रिंकू सर लेकर आए हैं बड़े दिनों के बाद क्या नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज की सीरीज स्टार्ट हो गई है गाइस। नाउन क्लॉज को बहुत आसान तरीके से आज आपके सामने आने वाला है, तो गाइस ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं गाइस। नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य। गाइस आज हम नाउन क्लॉज को डिफाइन करने वाले हैं कि नाउन क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। तो आज हम इस वीडियो में नाउन क्लॉज को कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस कमेंट आई थी कि सर नाउन क्लॉज के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज एक वीडियो हमारा रिलीज हुआ है और गाइस नाउन क्लॉज के नाम से आया है, गाइस पार्ट 1 नाउन क्लॉज का। तो गाइस ध्यान रखिए, पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है नाउन क्लॉज की या क्लॉज की। तो गाइस आज हम चर्चा करेंगे नाउन क्लॉज के ऊपर और आज आप 101% नाउन क्लॉज को आज आप सीखने वाले हो, रटने वाले नहीं हो, आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो में A1 क्लासेस पर। तो गाइस चलिए देख लेते हैं नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज एज अ संज्ञा उपवाक्य। नाउन का मीन, नाउन से गाइस हमें पता चल रहा है नाउन संज्ञा, संज्ञा और क्लॉज का मीन होता है उपवाक्य। जब दो सेंटेंस गाइस, जब दो सेंटेंस आते हैं, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और दोनों सेंटेंस जब मिलते हैं, है ना, दोनों सेंटेंस को जोड़कर जब एक सेंटेंस बनाया जाता है उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो गाइस नाउन क्लॉज टाइप्स होते हैं, तो हम चलो परिभाषा देख लेते हैं। चलिए नाउन क्लॉज की, तो गाइस परिभाषा है हमारे पास डेफिनेशन कंजक्शन। अब कंजक्शन मतलब when, where, how, when, ये WH word जो सारे हैं ये हमारे कंजक्शन के रूप में काम करेगा, उसमें that भी काम करेगा। तो गाइस कंजक्शन के साथ संपूर्ण आपने को क्या करना है, कंजक्शन के साथ सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज को हिंदी में कहा जाता है गाइस आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य मीन जो दूसरे के ऊपर निर्भर, जो डिपेंड हो, है ना, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। तो कंजक्शन के साथ सबोर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के नाउन के स्थान पर लिखा जाता है, तो उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। आई रिपीटेड, कंजक्शन के साथ सबोर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के नाउन के, है ना, प्रिंसिपल क्लोज के जो नाउन है उसके स्थान पर यदि लिखा जाता है तो उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। तो गाइस सेंटेंस आएगा और सेंटेंस में सबोर्डिनेट क्लोज जो रहेगा हमारा, उसके जो है ना, जो प्रिंसिपल क्लोज की जो नाउन रहेगी, यदि उसके स्थान पर यदि कंजक्शन से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो गाइस वो हमारा नाउन क्लोज बना हुआ है। अब नाउन क्लोज टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, नाउन क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, ये नाउन क्लोज होता क्या है। तो गाइस जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है और एक सेंटेंस बनाया जाता है तो नाउन क्लोज होते हैं। जैसे प्रेडिकेट वर्ब, फ्रेज वर्ब होती है जिससे कि किसी ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ आती है, तो गाइस ये नाउन भी, नाउन क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ आएगा। चलिए टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, तो टाइप नाउन क्लोज के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है गाइस हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ना, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया के कर्ता के रूप में, संज्ञा उपवाक्य क्रिया के कर्ता के रूप में। पहला वाला क्या है, संज्ञा उपवाक्य क्रिया के कर्ता के रूप में। फर्स्ट वाला है हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सेकेंड वाला है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, है ना, कर्म उपवाक्य क्रिया के कर्ता के रूप में। और थर्ड नंबर पे आता है प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब। तो प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब क्या है, है ना, अव्यव, जो अव्यव होते हैं अव्ययी, है ना, जो प्रीपोजिशन होती है उनके रूप में हमें क्या करना है, है ना, क्या करना है, संज्ञा उपवाक्य अव्यव के रूप में।
फोर्थ नंबर पे आता है हमारा है ना केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन अपोजिट क्लॉज को बताया गया है, विरोधाभास, विरोधाभास स्पष्ट कर रहा है इस क्लास में, है ना। और जो लास्ट वाला आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। जब आता है अदर वर्ड आता है गाइस, आपने देखा होगा किसी सेंटेंस में अदर वर्ड आए सब्जेक्ट के बाद, है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ड वर्ब कहा जाता है। तो गाइस नाउन क्लॉज कितने टाइप के होते हैं? गाइस नाउन क्लॉज पांच प्रकार के होते हैं, फाइव, है ना। कौन कौन सा? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब, केस इन अपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो गाइस आज फुल आप नाउन क्लॉज को डिफाइन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए देखिए वीडियो का पहला टाइप देखेंगे हम, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पहले इसके रूल हम देखेंगे कि इसमें क्या रूल लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल पर चर्चा कर देख लेते हैं रूल्स को। तो गाइस नाउन क्लॉज को बनाने के चार रूल्स होते हैं। जो पहला वाला रूल है हमारा, यदि सबोर्डिनेट क्लॉज सकारात्मक व नकारात्मक के रूप में हो तो कंजेशन डेट का यूज करें। तो गाइस हमारे पास दो सेंटेंस आएंगे, दो क्लोज आएंगे, एक सबोर्डिनेट क्लोज आएगा और एक प्रिंसिपल क्लोज आएगा। तो गाइस सबोर्डिनेट कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है, मैं आपको ये है ना आगे वीडियो में बता दूंगा। बट अभी आप ध्यान दीजिए कि यदि सबोर्डिनेट क्लोज सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में, मतलब यदि नेगेटिव या है ना पॉजिटिव, है ना पॉजिटिव या नेगेटिव यदि आता है तो कंजेक्शन हमें किसका यूज करना है, कंजेक्शन हमें डेट का यूज करना है। रूल नंबर सेकंड क्या आता है गाइस, यदि सबोर्डिनेट क्लोज यस नो टाइप या प्रश्नवाचक में हो तो कंजेक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करना है, या तो आप इफ लगा दीजिए या फिर वेदर का यूज कर दीजिए, है ना। और सेंटेंस को असरेटिव में बदल दो, मतलब सेंटेंस में हमने कंजेक्शन इफ या वेदर का तो यूज कर देंगे लेकिन सेंटेंस को हमें असरेटिव में बदलना, असरेटिव मतलब अफर्मेटिव, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य वहां से हटाना है गाइस। तो ये जो चार रूल है ना गाइस हमारे नरेशन के रूल से हैं, आप एक बार नरेशन में भी जाकर पढ़ सकते हैं, ये रूल हमारे नरेशन में फॉलो होते हैं। यदि सबोर्डिनेट क्लोज डब्ल्यूएच सेंटेंस में आता है गाइस, यदि डब्ल्यूएच सेंटेंस में आ जाता है, जैसे डब्ल्यूएच सेंटेंस आते हैं वो आ जाते हैं, तो जो डब्ल्यूएच वर्ड आता है ना उसी को आप कंजेक्शन के रूप में यूज करो, मतलब जो डब्ल्यूएच वर्ड हमारा आएगा सेंटेंस में सबोर्डिनेट क्लोज में तो वो उसी वर्ड को हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल मतलब कंजेक्शन के रूप में यूज कर देते हैं, ठीक है। और सेंटेंस को क्या बनाना, असरेटिव, चाहे यस नो टाइप आए है ना और या डब्ल्यूएच सेंटेंस आए। तो गाइस यस नो टाइप क्वेश्चन आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमारे है ना यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पे आप पढ़ सकते हो, है ना, वीडियो में उसमें देख सकते हो। और डब्ल्यूएच सेंटेंस आप लोगों को बताइए। और यदि फोर्थ रूल देख लेते हैं, यदि प्रिंसिपल क्लोज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज आएगा ना उसकी क्रिया यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो क्या करना है ना, सबोर्डिनेट क्लोज, एससी का गाइस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सबोर्डिनेट क्लोज, तो सबोर्डिनेट क्लोज की क्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक है। यदि हमारी प्रिंसिपल क्लोज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबोर्डिनेट क्लोज की क्रिया का कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। और यदि प्रिंसिपल क्लोज की क्रिया पास्ट में हो तो फिर आपको सबोर्डिनेट क्लोज की क्रिया को भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। यदि मतलब प्रिंसिपल क्लोज की क्रिया यदि पास्ट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबोर्डिनेट क्लोज की क्रिया को भी पास्ट में बदलना पड़ेगा, है ना। और क्या करना है उसके बाद, क्या बदल दिया है। और नरेशन के रूल नंबर सेकंड, आपने यदि नरेशन पढ़ा है, हमारा नरेशन वाला वीडियो देखा है, तो नरेशन वाले वीडियो के रूल नंबर सेकंड में ये पूरा का पूरा टेबल काम आएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, देख लेते हैं नाउन क्लोज को। फर्स्ट वाला हमारा आ रहा है नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना, क्रिया के कर्ता के रूप में। तो गाइस नाउन क्लोज में पहला वाला चैप्टर पर पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो गाइस इसके पहचान देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल और सबोर्डिनेट क्लोज को कैसे पहचानेंगे, दो क्लोज आएंगे दोनों में को कैसे पहचानेंगे। तो गाइस देखिए, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट या दिस इन दोनों में से कोई एक मिलता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के प्लेस पर इट या दिस इन दोनों में से कोई एक हमें दिखाई देगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो उसे प्रिंसिपल क्लोज हमें मानना है। प्रिंसिपल क्लोज किसे मानना है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इट या दिस इन दोनों में से कोई एक हमें मिलेगा तो उसे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मानना है ना, उसे प्रिंसिपल क्लोज मान लेना है। और जो दूसरा उपवाक्य आता है उसे सबोर्डिनेट क्लोज मानेंगे, जो दूसरा उपवाक्य आएगा ना उसे क्या मानेंगे, हम सबोर्डिनेट क्लोज। तो देखिए आगे, नाउन क्लोज बनाते समय
सबोर्डिनेट क्लोज के साथ। नाउन क्लोज जब भी बनाएंगे तो हम जब हम सबोर्डिनेट क्लोज है ना साथ सही कंजक्शन लगाना है, सबोर्डिनेट क्लोज सही कंजक्शन। जैसे अब इस सेंटेंस में किया दिस मिल गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, अब सब्जेक्ट के प्लेस पे मिल गया तो वो हमारा कौन सा होगा प्रिंसिपल क्लोज, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पीसी है ना। और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य आया वो हमारा हो गया एससी है ना सबोर्डिनेट क्लोज। अब नाउन क्लोज बनाएंगे तो नाउन क्लोज बनाते समय सबोर्डिनेट क्लोज के साथ प्रिंसिपल क्लोज, जब हमने बोला था कि नाउन क्लोज बनाते समय सबोर्डिनेट क्लोज के साथ सही कंजक्शन लगाना, मतलब नाउन क्लोज बनाते समय हमें क्या करना है सबोर्डिनेट क्लोज के आगे सही कंजक्शन, मतलब इस जो मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर है इसके पहले हमें सही कंजक्शन लगाना है। पर कंजक्शन किसके स्थान पर लगाना है प्रिंसिपल क्लोज के इटिया दिस के स्थान पर हमें कंजक्शन लगाना है। तो गाइस जो इटिया दिस ये कंजक्शन किसको देख के लगाएंगे, कंजक्शन बिफोर द रूल्स अपन ने कर चुके हैं पहले चार रूल्स है ना, यदि सबोर्डिनेट क्लोज हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव आता है तो कंजक्शन देट लगाएंगे। तो गाइस ये अफर्मेटिव है इसलिए कंजक्शन मैंने यहां पर लगा दिया देट, देट कंजक्शन लगा दिया। उसके साथ क्या बोल रहा है संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज को, संपूर्ण सबोर्डिनेट उपवाक्य मतलब ये संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज इसको लिख देंगे हम। इससे मैंने यहां पर लिखा मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर और क्या लगाया जाएगा लास्ट में इज राइट। अब ये इज राइट क्यों, ये प्रिंसिपल क्लोज का बचा हुआ वर्ड है जो लास्ट में हम लिख देंगे। तो दिस इज राइट यहां सत्य है मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर, यहां ऐसा था देट की है ना मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर इज राइट है ना, मतलब ये होगा मिस्टर शर्मा जो इंग्लिश टीचर है बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस बन गया। तो वाइस इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलो देखिए एग्जांपल है हमारा दिस वाज अनफॉर्चुनेट, दिस वाज अनफॉर्चुनेट यहां दुर्भाग्यतावश हुआ अनफॉर्चुनेट। वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच, हम ओपनिंग मैच हार गए, मतलब यहां दुर्भाग्यतावश हम पहला मैच हार गए। अब इसको बनाना है गाइस नाउन क्लोज। तो गाइस मैंने आपको पहले बता चुका हूं जिस सेंटेंस में इट या दिस दिखे वो अपना प्रिंसिपल क्लोज और उसके साथ जो दूसरा क्लोज आता है वो हमारा सबोर्डिनेट क्लोज होता है। अब हमें क्या करना है प्रिंसिपल क्लोज के इट या दिस के स्थान पर सही कंजक्शन रखना है। तो गाइस ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव इसलिए कंजक्शन मैंने यहां पे लगा दिया दैट, ठीक है गाइस कंजक्शन देट लगा दिया। अब कंजक्शन के बाद देखिए ये हमारा पास्ट में है ना प्रिंसिपल क्लोज, तो ये भी पास्ट में ये लॉस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें चेंज कर देंगे तो सिंपल सा है ना सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देट उसके बाद हमें क्या करना है जो सबोर्डिनेट क्लोज है उसे लिखना है। तो देट कंजक्शन के बाद सबोर्डिनेट क्लोज कौन सा हमारा वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच, तो लिख दिया हमने वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच है ना ओपनिंग मैच, और लिख देंगे वाज अनफॉर्चुनेट, वाज अनफॉर्चुनेट ये बन गया गाइस। दिस वाज अनफॉर्चुनेट हाउ वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच जिसे बनाना था, तो देट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच है ना वाज अनफॉर्चुनेट, मतलब देट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच हम लॉस्ट में ओपनिंग मैच हार गए पहला मैच वाज अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यतावश। तो गाइस नाउन क्लोज हमने कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम नाउन क्लोज। तो गाइस हम बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया इस सेंटेंस को हम आसानी से पढ़ लिया गाइस। देखिए नेक्स्ट अगला आता है दिस इज नॉट क्लियर, अगला सेंटेंस दिस इज नॉट क्लियर यहां निश्चित नहीं है है ना, सर्टेन का मतलब क्या होता है निश्चित, मतलब यहां निश्चित नहीं है कि विल दे बी एबल टू कम विद अस कि वह हमारे साथ आएंगे, ठीक है यहां निश्चित नहीं है कि वह हमारे साथ आएंगे। तो गाइस देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा ये यस नो टाइप सेंटेंस है, क्या ये यस नो टाइप सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे जो कंजेशन है, अब यस नो टाइप की सेंटेंस होता है तो रूल नंबर सेकंड में लिखा हुआ है गाइस यस नो टाइप सेंटेंस यदि आता है तो कंजक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो गाइस इफ या वेदर में से किसी एक का यूज कर लेंगे, मैंने यहां पे इफ का यूज कर लिया, ठीक है इफ का यूज करने के बाद सेंटेंस को असरेटिव बनाएंगे। तो असरेटिव बनाने का तरीका क्या है गाइस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद हमें लिख देना है, सेंटेंस असरेटिव बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है विल है ना, ये प्रेजेंट में तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर या किसी में भी रहे तो हमें कोई चेंज नहीं करना। हाँ यदि आपका यदि प्रिंसिपल आपका पास्ट में हो तो फिर आपको सबोर्डिनेट को पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो यहां पर आप सेंटेंस क्या जाएगा इफ दे फिर आ जाएगा अपने यहां पे विल बी एबल
और बचा क्या है, इज नॉट साइटन, तो इज नॉट और आ जाएगा साइटन, ये बन गया। सिंपल सा है, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ आप नाउन क्लोज को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा डब्ल्यूएच सेंटेंस है गाइस, इसमें वाई पहले आया मतलब ये डब्ल्यूएच सेंटेंस। अब डब्ल्यूएच सेंटेंस में कंजक्शन किसका यूज करते हैं, जो डब्ल्यूएच वर्ड आता है उसी को कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो डब्ल्यूएच वर्ड आया उसी को कंजक्शन में मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में और सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो ये डिड यहां से हटेगा। अब गाइस डिड हटा क्योंकि डिड आपको पता है गाइस डिड क्या है, हिडन वर्ब है, छिपी हुई क्रिया, तो ये डिड किस में जाकर लग जाएगा, गो में, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, वेंट, है ना, गो वेंट गोन, तो व्हाई सी वेंट देयर अलोन, और ऊपर वाला क्या बचा हमारे, इज मिस्ट्री, इज मिस्ट्री। अब सेंटेंस था गाइस दिस इज साइटन, मतलब दिस इज मिस्ट्री, यहां रहस्य है कि व्हाई डिड सी गो देयर अलोन, कि वहां अकेली क्यों गई, ठीक है, तो यहां क्या है, ये मिस्ट्री है, रहस्य है, तो गाइस इस सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई सी वेंट देयर, है ना, वहां अकेले क्यों गई, ठीक है, इस मिस्ट्री या रहस्य, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमने दिस कंजक्शन को देखना है गाइस, आपको कंजक्शन सही लगाना है, सही यूज कर सकते हो, है ना। वीडियो को यदि आप देख रहे हो, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो गाइस आज आप ये 20 से 25 मिनट में नाउन क्लोज का फुल ऑपरेशन करने वाले हो। नाउन क्लोज इस ये वीडियो गाइस ऐसा वीडियो है कि आप आसानी से नाउन क्लोज को कंप्लीटली करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, नाउन क्लोज नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब गाइस, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ब, जब हम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब देख रहे थे, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना, संज्ञा उपवाक क्रिया के कर्म के रूप में, है ना। पहचान देख लेते हैं, जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट या दिस इन दोनों में से कोई एक आता है, मीन इट और दिस जब हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल रहे थे, लेकिन अब हमें कहां मिलेंगे, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है, इनमें से कोई एक आता है, या फिर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली, है ना, ऑब्जेक्ट का स्थान या तो खाली होगा या फिर ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होगा, फील होगा यहां पे, है ना, या तो ऑब्जेक्ट का स्थान खाली होगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस में हमें इट या दिस दोनों में से कोई एक दिखाई देंगे, तो उसे प्रिंसिपल माना जाता है। उसके साथ वाले वाक्य को हम सबोर्डिनेट क्लोज कहा जाता है ना, मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इट या दिस इन दोनों में से कोई एक दिखता है या फिर इट या दिस में से कोई नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का स्थान खाली होता है, तो उसे प्रिंसिपल क्लोज माना जाता है, और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य आता है उसे सबोर्डिनेट क्लोज माना जाता है, ठीक है गाइस। अब नाउन क्लोज बनाते समय, नाउन क्लोज बनाते समय सबोर्डिनेट, है ना, सबोर्डिनेट क्लोज के आगे सही कंजक्शन लगाना, मतलब नाउन क्लोज बनाएंगे ना दो सेंटेंस का, एक सेंटेंस का, तो सबोर्डिनेट क्लोज के आगे सही कंजक्शन लगाना, मतलब सबोर्डिनेट क्लोज के आगे सही कंजक्शन लगाना है, और संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज को, और जो हमारा सबोर्डिनेट क्लोज होगा ना उसको प्रिंसिपल क्लोज के इट या दिस में हो तो, है ना, उसके स्थान पर लिख देना, मतलब जो ये इट या दिस हो जहां पे उसके स्थान पर हम पूरे सबोर्डिनेट क्लोज को लिख देंगे, है ना, उसके स्थान पर लिखे, या इट या दिस ना हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें लिखना है, ठीक है। तो मतलब करना क्या है हमें, ओनली, है ना, बहुत आसान तरीके से हम नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा, पहले पहचान बनाना किस टाइप से, तो जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट या दिस में से कोई एक आता है उसे, है ना, आता है, या फिर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली हो तो उसे प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे, और उसके स्थान तो उसके साथ वाले वाक्य को सबोर्डिनेट क्लोज कहा जाता है, ये तो हमारी पहचान हो गई। अब नाउन क्लोज कैसे बनाएंगे, तो नाउन क्लोज बनाते समय सबोर्डिनेट क्लोज के आगे सही कंजक्शन लगाकर संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के इट या दिस हो तो उसके स्थान पर लिखें, और या इट या दिस ना हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखें। तो गाइस देखिए एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल है यहां पर, फिर देखेंगे इसके कि आई थिंक दिस, है ना, आई थिंक दिस, मैं यहां सोचता हूं, यू मे विन द मैच, तुम मैच जीत सकते हो, संभावना बताइए उसने कि मैं सोचता हूं तुम मैच जीत सकते हो। तो गाइस अब ध्यान दीजिए इसमें दो सेंटेंस है, अब यहां पे आपने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या देखा, यहां दिस देखा, तो ये हमारा ना हो गया पीसी और इसके साथ वाला हो गया हमारा एस। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें सबोर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानना है। तो गाइस आप देखिए यहां से, तो हमें क्या करना है, एग्जांपल जैसे लिखेंगे इसका आंसर तो क्या बनेगा, आई थिंक, है ना, दिस के स्थान पर कंजक्शन लगाएंगे। तो गाइस कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन के हम पहले ही चार रूल पढ़ चुके हैं वीडियो में, सबसे पहले कंजक्शन के बारे में बताया गया था, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन हमारा लगेगा दे। तो गाइस मैंने यहां लगा दिया कंजक्शन दे। अब फर्स्ट वाला सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये अपना क्या है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड है, ये हमें देखना है। तो गाइस यहां इंट्रोगेटिव था, अफर्मेटिव था, इसलिए डेट लगा दिया। अब सेंटेंस को देखो, पास्ट में प्रेजेंट में, यदि पास्ट में होगा तो सबोर्डिनेट पास्ट में बदलाएगा, और यदि हमारा प्रिंसिपल प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा तो इसको भी हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं। तो इस सेंटेंस पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, यू मे विन द मैच, ये होगा ठीक है, क्या आई थिंक, मैं सोचता हूं कि यू मे विन द मैच, कि तुम मैच जीत सकते हो, है ना, मैं सोचता हूं कि तुम मैच जीत सकते हो। तो चलिए गाइस इसके और भी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ये फोर एग्जांपल हमारे पास हैं। देखिए मोहन होप्स दिस, मोहन को यहां आशा है, है ना, मोहन को यहां आशा है, ही विल गो फर्स्ट डिविजन, कि वहां फर्स्ट डिविजन लेकर आएगा। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमें दिस कहा मिला, यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इसलिए ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और ये क्या हुआ हमारा, ये यहां से यहां तक जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, और इसके बाद वाला हमारा गाइस क्या है, ही विल गो फर्स्ट डिविजन, ये हमारा सबोर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इट या दिस के स्थान पर पूरे सबोर्डिनेट क्लॉज, सबसे पहले तो कंजक्शन लगा देंगे उसमें और पूरे सबोर्डिनेट क्लॉज को हम लिख देंगे। तो क्या आंसर क्या बनेगा इसका, मोहन होप, कंजक्शन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट कंजक्शन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो सबोर्डिनेट है वो अफर्मेटिव है। फिर सेंटेंस को हम कॉपी कर देंगे, विल गोट फर्स्ट डिविजन। गाइस टेंस का चेंज हम यही करेंगे, क्योंकि यदि हमारा सब प्रिंसिपल ये पास्ट में होता तो हम यहां विल का पास्ट क्या हो जाता, वुड हो जाता। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ही आस्क्ड दिस, है ना, मतलब वहां ऐसा कहता है, क्या कहा उसने, कि ये पास्ट का, और डिड आई नो दिस हिज ब्रदर, कि क्या मैं उसके भाई को जानता हूं। तो गाइस देखिए, ही आस्क जिसके स्थान पर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यस नो टाइप, तो गाइस यस नो टाइप है, तो एक क्या वेदर में से कोई एक को डिसाइड कर लेंगे, तो हम यहां पर लगा देंगे वेदर को, है ना, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सर नहीं है कि इफ लगाए और या फिर दे, है ना, वेदर लगाए। और सेंटेंस को क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। तो गाइस असर्टिव बनाएंगे तो जो ये डिड है, ये हेडन वर्ब है, वो कहां चला जाएगा, उससे के फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो जो फर्स्ट फॉर्म में ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये डिड यहां पे लिखेंगे हम इसको, है ना, हिज ब्रदर, और लास्ट से जो क्वेश्चन सिंबल है वो यहां से हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, द जज विल डिसाइड दिस, है ना, जो जज है वो यहां निर्णय लेगा कि हु डज द लैंड बिलोंग टू, कि यहां जो जमीन है वो किसकी है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं, द जज विल डिसाइड, जो दिस है उसकी जगह पर कंजक्शन क्या लग जाएगा, जो WH वर्ड आया वही कंजक्शन के रूप में यूज होगा। तो कंजक्शन के रूप में क्या यूज होगा यहां पे, हु। अब गाइस देखिए सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम कहां लिख देंगे, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हु डज द लैंड बिलोंग्स, है ना, तो बिलोंग क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहां आ जाएगा द लैंड बिलोंग्स टू और फुल स्टॉप्स, ठीक है। द जज विल डिसाइड, जो जज है वो निर्णय लेगा कि हु द लैंड बिलोंग, है ना, बिलोंग्स टू, कि ये जो जगह है, जमीन है, वो किसकी
है। तो गाइस नेक्स्ट, गाइस जो लास्ट वाला एग्जांपल है हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि गाइस देखिए पहला वाला सेंटेंस यस नो टाइप है और दूसरा सेंटेंस है हमारा डब्ल्यूएच का। तो गाइस इसको जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। गाइस देखिए सबसे पहले तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है हमारा, यदि इस सेंटेंस को हमने देखा है ये सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा सबोर्डिनेट। तो गाइस पहले अपने प्रिंसिपल को सेम कॉपी कर लेंगे हम। अब कंजक्शन हमारा क्या लग जाएगा गाइस, यहां सेट जाएगा कंजक्शन लग जाएगा हमारा व्हेन, डब्ल्यूएच वर्ड जो आया है वो कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा व्हेन। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो गाइस सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो ये इजी कहां चला जाएगा, द नेक्स्ट डे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जांपल है द नेक्स्ट ट्रेन, और यहां आ जाएगा इज, और यहां आ जाएगा क्वेश्चन सिंबल। अब क्वेश्चन सिंबल गाइस इसलिए आएगा कि सर आपने यहां तो हटा दिया था, है ना, असर्टिव बनाया था, तो गाइस ये इसको हमने असर्टिव बना दिया, लेकिन जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो गाइस इसके लिए यहां सिंबल लगा हुआ है। तो गाइस मैं सुनता हूं आसानी से आप नाउन प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को, है ना, सीख चुके हो, है ना। तो गाइस आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक गाइस देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब, नाउन क्लोज का थर्ड वाला चैप्टर देख रहे हैं, नाउन क्लोज एज प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब। तो गाइस प्रीपोजिशन का मीन होता अव्यय, है ना, संज्ञा उपपद क्रिया के अव्यय के रूप में। अब प्रीपोजिशन क्या होती है, तो इन, इनटू, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, बाय, है ना, टू, तो गाइस ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बारे में और ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो हमारे जो प्रीवाइज वीडियो है, पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो, दो वीडियो डले हुए प्रीपोजिशन के, आप उसमें देख सकते हो और आसानी से प्रीपोजिशन को लर्न कर सकते हो यदि आपने लर्न नहीं किया है तो। चलिए देख लेते हैं पहचान, जिस वाक्य में प्रीपोजिशन के बाद इटी या दिस, ध्यान रखना जहां पर देखना है पूरे नाउन क्लोज में इटी और दिस जो है इन दोनों को ही देखना है, इनमें से कोई एक आता है या फिर नहीं भी आता है तो उसे प्रिंसिपल क्लोज माना जाता है, और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य आता है उसे सबोर्डिनेट क्लोज माना जाता है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद गाइस आपको इटी या दिस देखना है, और नहीं भी हो इटी या दिस ओनली प्रीपोजिशन हो तो भी उसे हम प्रिंसिपल क्लोज मानेंगे, और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य आएगा उसे हम सबोर्डिनेट क्लोज मानेंगे। अब क्या करना है, उसके साथ नाउन क्लोज बनाते समय कंजक्शन के साथ संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के प्रीपोजिशन के बाद लिखना है। तो गाइस ध्यान रखना आपको जो प्रिंसिपल क्लोज रहेगा उसकी जो प्रीपोजिशन रहेगी उसके बाद हमें संपूर्ण सबोर्डिनेट क्लोज को लिखना है। जो प्रिंसिपल क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज में जो प्रीपोजिशन होगी उस प्रीपोजिशन के बाद हमें सबोर्डिनेट क्लोज को लिखना है, और उस प्रीपोजिशन के बाद हमें कंजक्शन को लगाना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, आई ऑलवेज थिंक ऑफ, मैं हमेशा सोचता हूं, क्या सोचता हूं, है ना, कि पीपल ऑफ इंडिया शुड बी ऑनेस्ट, कि भारत के लोगों को ईमानदार होना चाहिए, है ना। तो गाइस सेंटेंस आई ऑलवेज थिंक ऑफ, अब ऑफ जो हो गई हमारी प्रीपोजिशन तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया, और इसके साथ जो दूसरा आया वो हमारा सबोर्डिनेट क्लोज। तो गाइस हमें क्या करना है, अब देखिए गाइस आई ऑलवेज थिंक ऑफ, गाइस आपको प्रीपोजिशन को नहीं हटाना है, आपको इटिया इसको हटाना है, कंजक्शन क्या लगाएंगे गाइस, देख कंजक्शन लग जाएगा हमारा। अब देख कंजक्शन क्यों लगा आप लोगों को पता है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए पीपल ऑफ इंडिया शुड बी ऑनेस्ट, जो भारत के लोग हैं उन्हें ईमानदार होना चाहिए, भारत के लोगों को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे कुडंट एग्री अबाउट दिस, है ना, दे कुडंट वे एग्री नहीं, वे सहमत नहीं थे, और हु शुड डू द वर्क, है ना, कि वे जो काम है वो कौन करे, है ना, मतलब किसे करे, ठीक है, कैसे करना चाहिए, मतलब वो एग्री नहीं थे कि ये जो काम है वो किसे करना चाहिए। तो गाइस देखिए इसका एग्जांपल बनेगा, दे कुडंट एग्री, है ना, अबाउट,
अब यहां दिस से दिस के स्थान पे कंजक्शन हमने क्या लगा दिया, दे। नहीं, दे कंजक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंजक्शन क्या, जो डब्ल्यू एच वर्ड आया है वही कंजक्शन लगेगा। कंजक्शन क्या है हमारे पास, हु। अब सेंटेंस को क्या बनाएंगे, है ना? अब सेंटेंस को बनाना हमें क्या बनाना है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट को खा जाता है। अगला सेंटेंस आता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस, है ना? सब कुछ निर्भर है, डज द ट्रेन रीच देयर इन टाइम, है ना? कि मतलब जो ट्रेन है वो समय पर पहुंचती है या नहीं। तो गाइस देखिए इसका एग्जांपल बनेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, है ना? इफ या वेदर में से कोई एक कंजक्शन लगा देंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, द ट्रेन, और जो गाइस जो डज है वो कहां लग जाएगा, रीच में लग जाएगा। तो रीच का बन जाएगा रीचेस, है ना? दे आर इन टाइम, और लास्ट में से फुल स्टॉप, है ना? क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब को आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। और गाइस यदि जितना ज्यादा हो सके गाइस आप वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो आप नाउन क्लोज को चुटकी में कर लेंगे और इससे सरल मेथड में आपको नाउन क्लोज कोई नहीं पढ़ाने वाला है, गारंटेड 101% रिंकू सरकार, ये वादा है गाइस। और यदि आपने एक से दो बार इस वीडियो को देखा है तो आप आसानी से नाउन क्लोज अपनी मुट्ठी में कर सकते हो गाइस।